फिर से सरकारी सिस्टम और सरकारी योजनाओं की पोल खुल गई है। दरअसल प्रवीण पड़ियार दिव्यांग हैं और सिस्टम से हारकर अब प्रवीण ने पीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पिछले दो सालों से प्रवीण झाबुआ कलेक्टोरेट परिसर के हजारों चक्कर काट चुका है। योजनाओं के नाम पर उन्हें केवल कोरे आश्वासन ही मिले हैं। योजना के तहत प्रवीण को बस देने को कहा गया, लेकिन बाद में निरस्त कर भूमि आवंटित करने का आश्वासन दिया गया, मगर उसमें भी साल भर से सिर्फ कागज ही मिल रहे हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसी योजनाओं का क्या फायदा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे भी न्याय की गुहार लगाई, उनसे चिट्ठी तो आ गई पर मुझे न्याय नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने एक बार फिर पुनः चिट्ठी लिख के दे दी है कि अगर मेरा दिवाली तक न्याय संगति प्रकरण मेरी न्याय मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया तो मैं अपने आप को जिंदा जला लूंगा या फिर जहर खा लूंगा या तो दिल्ली राजधानी में जाके कर लूंगा या फिर भोपाल राजधानी में जाके अपने आप को खत्म अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा, क्योंकि मैं निःशक्त से सशक्त बनना चाहता हूं। इसमें मुझे जिला प्रशासन द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, दो साल से दफ्तरों के चक्कर काट काट के हर मंच के चक्कर काट काट के मैं अपनी हिम्मत हार चुका हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तो भूमि आवंटन होती है उसका गजट नोटिफिकेशन मैंने शासन को लगा के नियम बता दिया है और शासन द्वारा मुझे नहीं दी जा रही है। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रोजगार का सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने लोन की मांग करी है, उसे भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर मैं अपना व्यवसाय कर अपनी जीवन नैया को पार लगाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश स्टेट